आज देखिए हम बचे हुए ब्लाउज पीस या सूट पीस से किस तरीके से एक पर्स तैयार करने वाले हैं। उसके लिए देखिए हमने एक मेन फैब्रिक रखना है, बीच में हमने फॉर्म रखना है पतला वाला, और एक शॉपिंग बैग का टुकड़ा। आप चाहें तो राइस बैग भी रख सकते हैं बीच में फॉर्म की जगह पर। इसमें हमने रिटेंगल पीसों को देखिए इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स में सिलाई कर लेनी है। जब हम बॉक्स की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और हमने नीचे से एक लाइन भी सेंटर में ड्रॉ कर दी है। 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम इस तरीके से लाइन को सीधी खींच लेंगे और यहाँ पे से ऐसे कर लेंगे हम कट। कट करने के बाद हम इस पर जिप अटैच करेंगे। जिप अटैच हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसमें एक पॉकेट एक्स्ट्रा बनाएंगे। ये हम 2 पॉकेट्स वाला बैग बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम एक पॉकेट इसमें यहाँ पर भी देखिए चैन ऐड कर ली है। चैन ऐड करने के बाद हम इसमें रनर को इंसर्ट कर देंगे। अगर आपको रनर करने में अगर नहीं आ पाता है तो मैं इसकी एक वीडियो बहुत ही जल्द बना करके अपलोड करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा रनर रेड हो गया है। एक कपड़े को हम इसमें इस तरीके से सिलाई रखते हुए सिल देंगे जिससे कि हमारी पॉकेट कंप्लीट तैयार हो जाएगी। इस तरीके से देखिए पॉकेट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम फिर एक जिप लेंगे और इस जिप को हम मेन पॉइंट पर लगाएंगे ऊपर और नीचे। इसे हम पेस्टिज भी कर लेंगे और इसके बाद देखिए जब हम इतना सब कर लेते हैं इसे हम करेंगे फिर उल्टा कर लेंगे। हमने इस पर रनर भी लगा डाल दिया है। उसके बाद देखिए जो हमारे रफ़ एसेस निकले हुए होते हैं या बच जाते हैं उनको हम किसी तरह से बंद करेंगे। तो हम यहाँ पर एक पाइपिंग नुमा इस तरीके से पट्टी लगा करके सबसे पहले हम एक हैंडल छोटा सा लगा लेंगे इस पर, जिसमें कि कभी अगर आपको पर्स कहीं पर टांगना है, अगर ऐसे वैसे रख के हम भूल जाते हैं तो इस तरीके से हम पर्स को इस तरीके से भी एक हैंडल इसमें लगा लेते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से कपड़े को अटैच करेंगे पाइपिंग के लिए और इसमें पाइपिंग बना देंगे जिससे हमारे रफ़ ऐसे सारे पर्स के बंद हो जाएँ, जो भी थ्रेड वगैरह हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। और एक फिनिशिंग के संग देखिए इस तरीके से ये लग करके कम्प्लीट फिनिशिंग के संग पर्स बन करके हमारा तैयार होता है। इसे भी हमने यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से इधर भी हमने कर दिया और इधर भी कर लिया। अब देखिए इसे हम कर लेंगे सुलटा। सुलटा करने के बाद देखिए इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आई है। आपको बैक साइड में भी इसमें कोई थ्रेड बाहर निकला हुआ नहीं दिखेगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमारा पर्स बन करके रेडी हुआ है। कॉर्नरों को हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो पेचकस या कैंची की मदद से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो पर्स है देखिए 2 पॉकेट्स में बन करके तैयार हो गया है। आप इसे मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही टॉप मॉडल का पर्स बन करके तैयार हुआ है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ सिलाई से संबंधित और जानकारी भी अगर लेनी है तो आप मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें एक बड़ा फीता भी लगाएंगे जिससे अगर हमें पर्स कभी टांगना हो या छोटा मोटा कोई भी सामान हम इसमें अपना इधर उधर ले जा सकते हैं। तो ये पर्स आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।